अगेन वेलकम यू टू योर ऑन प्लेटफॉर्म। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को हम लोग एक काफी फेमस कोट के साथ। वॉल्ट डिज़्नी का कोट है, द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। बिल्कुल सही कहा, कोई भी चीज को आप स्टार्ट करते हो तो आप सिर्फ बातें मत करो। गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अगर फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और आपको अपना ड्रीम पूरा करना है तो आपको बातें छोड़कर आपको लग जाना है, कर्म करना है, काम करना है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास को हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया सोयल ऑफ हरियाणा, हरियाणा की जो मिट्टिया है वो, जो डिग्रेडेशन था उनका, उनके बारे में बात की हमने, कैसे कैसे सरकार ने मेजर्स उठाए, कौन कौन से सरकार ने इनिशिएटिव उठाए, उनके बारे में डिस्कस किया। और आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हरियाणा का की जो क्रॉप्स है, जो फसलें, उनके बारे में। अब देखो मैं आप लोग को एक बेसिक चीज बताता हूं, जो क्रॉप्स है, जब आप लोग हरियाणा की क्रॉप्स के बारे में पढ़ोगे तो बेसिक इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आज की क्लास में ये रहेगा कि जो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्कीम्स चला रखी है, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स है, उसके बाद आपकी टेली एग्रीकल्चर स्कीम्स है, सीड स्कीम्स है, आपकी जो डिपार्टमेंट है हरियाणा का उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखा मेजर क्रॉप्स ऑफ हरियाणा, हरियाणा में जब आप क्रॉप्स की बात करोगे, हरियाणा ही क्यों, आप इंडिया लेवल पर भी देखोगे तो बेसिकली आपको तीन टाइप की क्रॉप्स है दिखाई देगी। एक होती है रबी की फसलें, एक होती है खरीफ की फसलें, और एक वो फसलें होती है जिसको जायद फसलें कहा जाता है, जिसको रबी और खरीफ के बीच में बोया जाता है। तो एक बार बात कर लेते हैं कि ये रबी खरीफ की फसलें है क्या। देखो रबी की जो फसलें होती है, रबी जो क्रॉप्स होती है, इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट दिया जाता है। मतलब इनका जो बोने का समय है वो अक्टूबर नवंबर, जब भी हमारा विंटर सीजन शुरू होता है तो उस टाइम पे हम लोग रबी की फसलें उगाते हैं। और मेजरली आप लोग देखोगे तो गेहूं, जो चना, सरसों, मटर, राई, दलहन, ये सब आपको दिखाई देगा, वीट वगैरह। मतलब एक पूरी लिस्ट मैंने लिख रखी, उसी के अकॉर्डिंग में हरियाणा में जो इन क्रॉप्स का पैटर्न है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब मैं वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा कितना टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल कितनी चाहिए इन फसलों के लिए। मैं बेसिकली इन क्रॉप्स के अंदर जो मेन मेजर एरिया है क्रॉप्स के वो मैं आप लोगों को बता दूंगा रबी की फसल के बारे में। वहीं दूसरी तरफ आप लोग देखते हो खरीफ की फसल, तो ये देखो अक्टूबर या फिर नवंबर के बिगिनिंग में स्टार्ट होती है और मार्च एंड तक इनको काट लिया जाता है। हार्वेस्टिंग कब तक हो जाती है, मार्च एंड तक हो जाती है, और मार्च एंड तक जब इनकी एंडिंग होती है तो उसके बाद जो बीच का टाइम पीरियड रहता है, जो इस ड्यूरेशन का रहता है 2 से 2.5 महीने, उस ड्यूरेशन में हम लोग कौन सी फसलें उगाते हैं, वो आपकी कौन सी होती है, जायद फसलें, जायद क्रॉप्स। अब ये जायद क्रॉप्स कौन सी होती है, ये वो क्रॉप्स होती है जिसको हम लोग जैसे खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं, और वो फूड जो जल्दी तैयार हो जाता है, मतलब बोने के उससे जल्दी तैयार हो जाता है, 2-2.5 महीने बीच में होते हैं खीरा ककड़ी, ये सब हम लोग देखते हैं। तो मार्च अप्रैल के बाद का जो टाइम पीरियड आता है, मई जून तक ये होता है, फिर उसके बाद आपकी कौन सी क्रॉप स्टार्ट होती है, खरीफ की क्रॉप्स। तो जब हमारा मानसून कंप्लीटली आ जाता है तो मानसून के बाद आपकी कौन सी फसलें स्टार्ट हो जाती है, खरीफ की क्रॉप स्टार्ट हो जाती है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों ने देखी, हरियाणा ही क्यों, अगर इंडिया में भी आप लोग देखते हो तो हरियाणा और इंडिया के साथ साथ आपको रबी और खरीफ की क्रॉप्स आपको दिखाई देगी। आपको पता है कि हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है वो एग्रीगेन बेस्ड सोसाइटी था, कृषि पर आधारित समाज था, और शुरुआत से ही हम लोग कृषि को एक अलग वे में देखते आए, इसको हम लोग रिलीजन के साथ भी जोड़ते हुए आए। जैसे आप लोग देखते हो कि पहले के टाइम पर जब हम लोग हवन करते थे या कुछ भी तिलक लगाते थे तो उसमें चावल का यूज करते थे, हम लोग सूर्य देवता की पूजा करते थे क्योंकि उसी से हमारी इकोनॉमी, उसी से हमारा एग्रीकल्चर चलता था। खैर वो तो इतना हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आगे की इंफॉर्मेशन आप हम लोग समझते हैं कि आगे की इंफॉर्मेशन क्या है।
रबी की फसल में कौन कौन सी है और हरियाणा के अंदर मेजर क्रॉप्स आपको कौन कौन सा दिखाई देगा। पहले तो आप लोग एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, देखो जब आप हरियाणा के शिवालिक रीजन से आप अरावली रीजन की तरफ मूव करते हो तो आपको दिखाई देगा रेनफॉल क्या होती है, कम होती है। अब ये आपको पता है कि अगर रेनफॉल कम हो रही है, रेनफॉल डिक्रीज हो रहा है, तो आपका वेजिटेशन या आपका एग्रीकल्चर वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे भाई, रेनफॉल ज्यादा होगी तो पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, पानी हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए, और ऐसी फसलें जिनको पानी ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो वो उसी रीजन में होगी जहां पर रेनफॉल ज्यादा हो रही है। शिवालिक जो माउंटेन हिल्स है वहां पर रेनफॉल ज्यादा हो रही है तो वहां पर हम लोग एक्सेस अमाउंट के अंदर आपको दिखाई देगा गेहूं वगैरह, सुगर केन वगैरह, राइस वगैरह वो उगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप लोग मूव करते हो तो आपको दिखाई देगा जो सदर्न हरियाणा है, उस सदर्न हरियाणा में हम लोग पल्सेस दाल वगैरह या फिर हम ज्वार बाजरा इनके ऊपर ही बस रह जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वहां पर रेनफॉल कम हो रही है। तो इन इसी रेनफॉल के पैटर्न को देखते हुए हरियाणा का कौन सा क्या डिसाइड हुआ है, क्रॉप सिस्टम डिसाइड हुआ है। अब एक दो पॉइंट मैं आप लोगों को बेसिक पॉइंट और बताता हूं। हरियाणा में अगर आप लोग देखते हो तो हरियाणा में एक आपका ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन है, और एक आपका हुआ कौन सा, वेस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन या वेस्टर्न एग्रीकल्चर जोन। ये जो ईस्टर्न एग्रीकल्चर जोन है इसके अंदर लगभग आप लोग देखते हो कि पंचकुला अंबाला यमुनानगर का सदर्न पार्ट, उसके बाद आपका कैथल जींद रोहतक ये सब आएगा, करनाल है। इसका हम लोगों ने जो मेन जोनल सेंटर बनाया है वहां पर बनाया है करनाल के अंदर, मतलब ईस्टर्न एग्रीकल्चर जोन के अंदर, मतलब ये वो जोन है जहां पर अच्छे अमाउंट के अंदर हमारे पास फसलें होती है और इन सब का डेटा इकट्ठा किया जाता है ईस्टर्न जोन करनाल के अंदर, तो करनाल के अंदर इनका मेन सेंटर है। वेस्टर्न जोन के अंदर हमने उसको रखा। अब ये मत देखना कि ईस्ट और वेस्ट, मतलब ईस्ट साइड करनाल है तो वेस्ट साइड ये होगा, नहीं, वेस्टर्न जोन के अंदर हमने ये रख उनको उन फसलों को रखा है जो जिन जिनके लिए लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल की जरूरत पड़ती है या वहां पर वो होती है जहां पर कम वर्षा हो रही है, जहां पर फसलें ज्यादा नहीं है। सिरसा फतेहाबाद का रीजन देखो, सिरसा से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इसलिए इसको वेस्टर्न एग्रीकल्चर जोन के अंदर बांट लिया जाता है। ये दो बेसिकली दो जोन है हरियाणा के अंदर किसके, एग्रीकल्चर के। आपको ध्यान मेन जो रखना है वो ईस्टर्न वाला रखना है, इसका जो सेंटर हमने बनाया है कहां पर बनाया है, करनाल के अंदर। क्योंकि अगर आप लोग देखते हो तो 60-70% जो क्रॉप्स है वो हमारी लाई करती है किसके अंदर, ईस्टर्न एग्रीकल्चर जोन के अंदर, बाकी की 30% आपकी कहां पर बढ़ेगी, वेस्टर्न एग्रीकल्चर जोन। चलिए तो आगे ये हमने दो बेसिक पॉइंट समझे, तो अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सी रबी की फसलें हैं जो हरियाणा के किस किस रीजन में पाई जा रही है और खरीफ की फसलें जो हरियाणा के किस किस रीजन में पाई जा रही है। उसके बाद ये समझने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्कीम्स हरियाणा सरकार ने लॉन्च की है उनके बारे में। तो रबी की फसल में सबसे पहली क्रॉप जो आपकी आती है वीट, गेहूं जरूरी है भाई, वीट। अब जो स्टेट है वो 13% ऑफ क्रॉप ऑन ऑल इंडिया बेसिस, हरियाणा स्टेट अकेले कितने परसेंट दे रहा है, 13% दे रहा है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग को ध्यान रखनी है। गेहूं आज भी अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता है कि हरियाणा में ऑलमोस्ट अगर मेन पॉइंट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा के लोग चावल तो उतना खाते नहीं है, चावल तो मेन फूड हो गया यूपी बिहार उस बेल्ट का, हमारा जो मेन फूड है वो कौन सा होता है, गेहूं होता है। और 13% और उस गेहूं को हम एज ए कमर्शियल भी यूज करते हैं, जाकर बेचते हैं, हमारी आमदनी जो है, इनकम जो है वो उस चीज से होती है। और फोर्थ है हमारे यहां पर इसकी रैंक प्रोडक्शन के मामले में पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद ये फोर्थ नंबर पर आता है। पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनके बाद प्रोडक्शन के मामले में क्या है, फोर्थ नंबर पर है। अब अगर हम लोग हरियाणा की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट हरियाणा, तो हरियाणा का कौन सा स्टेट जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और क्यूएस का रीजन भी बताऊंगा, तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिरसा आपको पता है
सिरसा ही जो है इसके बारे में जानेंगे। लार्जेस्ट प्रोड्यूशन ऑफ व्हीट इन द स्टेट, अदर डिस्ट्रिक्ट्स आर जींद, भिवानी, हिसार, कैथल एंड फतेहाबाद। एक बार आप लोग गौर करो इन सभी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन सा? सिरसा। अब इसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं कि सिरसा क्यों है। एक तो देखो सेकंड नंबर पर कौन सा आ रहा है? पंजाब आ रहा है। सिरसा, पंजाब, फतेहाबाद और हिसार, ये आपको दिखाई देगा वेस्टर्न रीजन जो अपना है, वेस्टर्न जोन जो है उस रीजन के अंदर ये सारे के सारे लग कर रहे हैं। ये जो सिरसा वाला रीजन है, यहां पर जो घग्गर रिवर है, उस घग्गर रिवर के साथ साथ सरस्वती, मारकंडा, टांगड़ी, इन सभी रिवर का पानी जो है वो किस रीजन के अंदर आता है? सिरसा के अंदर आता है। और जब सिरसा के अंदर आता है तो सिरसा के अंदर ठीक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में क्या मिल जाता है उसको? वाटर मिल जाता है। तो हमें एग्रीकल्चर वहां से इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि हमें जो पानी है वो बराबर मात्रा में नहीं मिल रहा है। नहर जो है, नहर यहां से जो निकाली जा रही है, उस नहर का पानी भी बराबर मात्रा में मिल रहा है कहां पर? सिरसा में। और दूसरा आप लोग देखते हो सिरसा के बारे में, तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम चलाया गया, हरित क्रांति कार्यक्रम जब चलाया गया था एम स्वामीनाथन जी के द्वारा, तो इस टाइम पे हम लोगों ने मेन फोकस किया था किसके ऊपर? आपने देखा होगा पंजाब के अंदर, और मेक्सिको से हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स मंगाए गए। और जब ये सारी चीजें की गई तो उस टाइम पे अपना हरियाणा तो बन ही रहा था नया नया, उस टाइम पे तो पंजाब का पार्ट था, तो मेन फोकस पंजाब वाले एरिया और सिरसा, फतेहाबाद, इन एरिया के ऊपर किए गए। तो यहाँ की सोइल भी क्या थी? फर्टाइल थी। वॉटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को हमने उस टाइम पे सोल्व किया। तो इसलिए आपको दिखाई देगा कि सिरसा जो है वीट प्रोडक्शन के मामले में नंबर वन पर आता है। उसके बाद आपका जींद हुआ, भिवानी हुआ, हिसार हुआ, कैथल हुआ, फतेहाबाद हुआ। एक ये भी है कि सिरसा का एरिया भी बड़ा है, उस वजह से भी ये पहले नंबर पर आता है। दूसरा आप लोग देखोगे ये सारे बड़े डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ओवरऑल पंजाब से टच करती है बाउंड्री, और मेन जो फूड है वो कौन सा है? आपका मीट है। अब आप एक ऐसे देखो, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, एक ऐसे एरिया में जाओ, एक ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में जाओ, वहां के लोग अपना नॉर्मल फूड के बजाय फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो और इंडस्ट्री बढ़ रही है तो खेत जो है वो कम होते जा रहे हैं, और वहां पर लोग बाग क्या कर रहे हैं? नई नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो वो तो अपने आप ही प्रोडक्शन वहां पर एग्रीकल्चर का कम होना है, वो तो एक्स वाई जेड चीजें हैं। ये ध्यान रखना आपको 13% और कौन से नंबर पर आता है ये। अगले पे चलते हैं। ये वो कॉटन, कपास। जो कपास है आपको पता है, इस कपास के लिए हमें जिस सोइल की रिक्वायरमेंट पड़ती है होती है ब्लैक सोइल। कौन सी सोइल? ब्लैक सोइल। अब इसी ब्लैक सोइल को हम लोग चेस्टनट सोइल भी बोल देते हैं, या चेरमोजम सोइल भी बोल देते हैं। इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, वो कौन सी है? रेगर सोइल, रेगर मृदा। ये सब एक ही सोइल के नाम है, काली मिट्टी, रेगड़ मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, ये सब इसके नाम है। अब ये जो कोटन है ये वहां पर ज्यादा होगा जहां पर ब्लैक सोइल होगी। और ब्लैक सोइल अगर बेसिकली आप लोग देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वॉटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इस सोइल के अंदर क्या होती है? ज्यादा होती है। और आपको पता है चेरमोजेम सोइल जो है, ब्लैक सोइल जो है, ये आज के टाइम पे महाराष्ट्र, गुजरात, इस रीजन के अंदर ज्यादा मिलती है, दक्कन प्लेटू रीजन में ज्यादा मिलती है। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर ब्लैक सोइल जो कि चेरमोजेम चेस्टनट ये वाली सोइल है, ये आपको सिरसा के अंदर ज्यादा दिखाई देगी। अब आप कहोगे फिर सिरसा आ गया, बिल्कुल। तो सिरसा जो है वो ब्लैक सोइल के कारण, इस वाली सोइल के कारण हाईएस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, उसके बाद हिसार, भिवानी, जींद, रोहतक, झज्जर, फतेहाबाद, ये सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब कपास आपको पता है किस काम आता है, और ये जो कपास होता है यहां पर, हमारे यहां पर अमेरिकन वैरायटी का कपास है। एक तो होता है लंबे रेसे का कपास, लॉन्ग, साइनी और मोर ड्यूरेबल, ज्यादा समय तक चलने वाला, और दूसरा होता है इंडियन वैरायटी, इंडियन वैरायटी जो छोटा कपास होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आप
अमेरिकन वैरायटी के कपास को अगर आपको देखना है, इंडिया में तो यार इंडिया वैरायटी का ही होता है, ये लंबा भी होता है, साइनी भी होता है और ज्यादा चलने वाला भी होता है, मोर ड्यूरेबल भी होता है। और आपको पता है कि कपास के अंदर से हम लोग वहां से पशुओं के लिए चारा भी निकालते हैं जिसको बिनोला बोलते हैं। तो देखो भाई, अमेरिकन वैरायटी का जो कपास है ये आपको अगर देखना है पूरे इंडिया में तो ये सबसे ज्यादा मिलेगा आपको राजस्थान के गंगानगर के अंदर। पूरे गंगानगर के अंदर पूरे इंडिया का लंबे रेशे का कपास होता है जो अमेरिकन वैरायटी का है। तो इसके लिए ब्लैक सोइल चाहिए, वो सोइल चाहिए जो वॉटर को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। और ऐसी सोइल कहां पर मिलती है? सिरसा के अंदर। तो सिरसा भी फर्स्ट नंबर पर आता है किसके अंदर? कॉटन के मामले में। देखो बाकी की जो इंफॉर्मेशन है ना आप लोग ज्योग्राफी के अंदर कवर कर लोगे। कौन सी ज्योग्राफी? जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो सर आपको जो है वो सारी चीजें बता देंगे किस किस तरीके से है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कब बोया जाता है, कब जो है रेसे निकाले जाते हैं, वो इंफॉर्मेशन आप लोग वहां पर ज्योग्राफी तक ही रहने देते हैं। चलिए तो आगे मूव करते हैं कॉटन के बाद अगला जो है अपना वो है जवार। देखो अब बुक में जे ओ डब्ल्यू आर भी लिखा है, जे डब्ल्यू आर कोई दिक्कत नहीं। जवार जो है इसके लिए हमें रेनफॉल जो है कम मात्रा में चाहिए। अब आप लोग राजस्थान साइड जब जाते हैं तो राजस्थान में बाजरा ज्वार यही सारी चीजें होती है। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर रोहतक जो है वो रोहतक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ज्वार का, उसके बाद झज्जर, उसके बाद आपका नूंह, पलवल, सोनीपत, रेवाड़ी, ये सारे हैं। गौर करना रोहतक के बाद झज्जर, नूंह, पलवल, सोनीपत, रेवाड़ी, ये सभी के सभी आप इसमें गुरुग्राम भी ऐड कर दो, उसके बाद महेंद्रगढ़ भी ऐड कर दो, जो सदर हरियाणा है, सदर हरियाणा वाले पोर्शन के अंदर आपको क्या नजर ज्यादा दिखाई देगा? ज्वार दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर रेनफॉल क्या हो रही है? कम हो रही है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि रोहतक के बाद अगर आप देखोगे तो ये सभी के सभी एरिया, ये वो एरिया है, सोनीपत को आप छोड़ दो, ये वो एरिया है जहां पर अरावली है उसके आसपास का रीजन। तो लेस रेनफॉल वाले रीजन में आपको या तो ज्वार मिलेगा या बाजरा मिलेगा, ये दो चीजें आप लोगों को मिलने वाली है। तो ज्वार, बाजरा, ये सभी के सभी इस रीजन के अंदर होते हैं और रोहतक जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? ज्वार का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगला है ग्राम। मैंने आप लोगों को बताया कि ग्राम, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, ये वहां पर आपको मिलेगी जहां पर रेनफॉल कम होती है। तो आप खुद लॉजिक लगा के बता दोगे सर सदर्न पार्ट में रोहतक से शुरू कर दो, बाकी जो आता है वो उसी के अंदर आएगा। देखते हैं, इट इज ग्रोन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रोहतक, भिवानी, सिरसा, हिसार एंड महेंद्रगढ़। भिवानी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम फॉलोड बाय द महेंद्रगढ़, हिसार एंड सिरसा। तो ग्राम जो सबसे एक्सेस अमाउंट में होता है वो कहां पर होता है? आपका भिवानी के अंदर, भिवानी के बाद आपका महेंद्रगढ़, उसके बाद आपका हिसार और लास्ट में आपका कौन सा आएगा? सिरसा आएगा। इन सभी रीजन के अंदर आपका क्या होता है? ग्राम होता है। उसके बाद आप लोग आगे की तरफ देखते हैं तो बाकी जो गुरुग्राम, नूह, पलवल इस रीजन का है तो यहां पर भी होता है, लेकिन यहाँ के लोग है ना ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं किसको? ज्वार और बाजरे को। तो ये था आपका क्या? ग्राम, पल्सेस ग्राम। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ऑयल शीड, तिलहन। बिल्कुल हमारे यहां पर त्योहार के टाइम पे भी यूज किया जाता है इन सबका। तो ऑयल शीड तिलहन को देखते हैं इसके अंदर। देखो ऑयल शीड मेनली मस्टर्ड इज प्रोड्यूस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भिवानी फॉलोड बाय महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, झज्जर, नूंह एक्सेट्रा। महेंद्रगढ़ इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड इन द स्टेट। ऑयल शीड में भी अगर आप लोग देखोगे तो तिलहन, तिलहन के अंदर वो सारी की सारी चीजें आती है जिससे हमें ऑयल, तिल प्राप्त हो। तो ध्यान रखना ऑयल शीट्स में बेसिकली हरियाणा में जो होता है वो पूरा ऑयल शीट्स नहीं होता, हरियाणा में जो होता है वो तिल होता है। तिल का ज्यादा अमाउंट हरियाणा के अंदर आपको मिलेगा और सबसे ज्यादा आपको पता है कहां पर ये आपको मिलेगा? भिवानी, फिर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इस तरीके से। तो ये महेंद्रगढ़ जो है वो आपका क्या हुआ? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ। किसका हुई? ऑयल शीट्स का। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, बारे ये जो है आपको अंबाला, फरीदाबाद,
करनाल, महेंद्रगढ़, जींद, भिवानी, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, हिसार। देखो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा ऐसा कोई समझाने वाला है नहीं, इस रीजन के अंदर आपको ये मिलेगा। ये सारी की सारी वो फसलें हैं जिनको रेन, जिनको पानी जो है, वोटर जो है वो दूसरी फसल के कंपेरिजन में क्या चाहिए, कम चाहिए। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने देख ली। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग किसके ऊपर, खरीफ की क्रॉप्स के ऊपर। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बताता हूं कि एक क्वेश्चन भी आया था और उस बेसिस पे आपको देखना है। देखो ये है अपना इंडिया, बिल्कुल। अब आपको पता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा एक आपको पता है कि इस साइड से आपका साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, दक्षिण, ये पश्चिमी विक्षोभ है, ये हेल्पफुल होता है किस क्रॉप्स के लिए, रबी की क्रॉप्स के लिए। इसलिए आप लोग ठंड के टाइम पे आप लोग देखोगे अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलें बोई जाती है। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या है, एक टाइप की, ये एक टाइप की विंड है जो कि आपकी मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, उसके आसपास बनती है और अर्थ सरफेस से लगभग 6-12 किलोमीटर की हाइट पर एक जिगजैग पाथ के अंदर ये चलती है। और ये इतनी तेज विंड होती है कि जब ये इंडिया की तरफ आती है तो इंडिया में यहां पर आपको पता है ग्रेट हिमालय है और इससे टकराने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट जाता है जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, वहां पर एप्पल सेब ज्यादा होता है इसकी वजह से, दूसरा पार्ट इस टाइम में इस साइड आ जाता है और इवन हरियाणा के शिवालिक रीजन पर भी उसका इंपैक्ट दिखाई देता है। हालांकि वो डिटेल के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर वो चीजें आप लोगों की होगी। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है, एक बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, हालांकि हरियाणा सिविल सर्विस के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया था, ये हरियाणा के स्टेट के एग्जाम में, दूसरे जो एसएससी एग्जाम उसमें पूछा गया क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। क्वेश्चन ये था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हरियाणा के शिवालिक रीजन में कौन सी क्रॉप्स होती, किस क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियरी है, तो ध्यान रखना रबी की क्रॉप्स के लिए। जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो आपको पता है कि अप्रैल से प्रोसेस स्टार्ट होती है, मई जून, जून तक पूरे इंडिया में एंट्री कर चुका होता है, अंडमान निकोबार से होते हुए केरल वगैरह। तो ये जब आगे की तरफ बढ़ता है जून जुलाई तक, ये हरियाणा तक पहुंच चुका होता है। इस साइड वाला जो इसकी ब्रांच है और इस साइड वाली ब्रांच, ये दक्षिण पश्चिम मानसून की ब्रांच है जिसको हम लोग बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इस वाली ब्रांच भी बोल लेते हैं। यहां पर आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून है और ये वाला बंगाल की खाड़ी वाला है, ये अरेबियन सी वाला है। ये दोनों आपस में मर्ज होती है और मर्ज होकर हरियाणा के पोर्शन के अंदर रेनफॉल कराती है। हरियाणा में कम रेनफॉल इसलिए भी होती है कि ऊपर पहुंचते पहुंचते जो साउथ वेस्ट मानसून, जो कि अरेबियन सी वाली है ब्रांच, और जो आपका कौन सा बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, वो ऊपर पहुंचते पहुंचते उसमें ह्यूमिडिटी क्या हो जाती, कम रह जाती है। और ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेनफॉल भी क्या होगी, कम होगी। और ऊपर से इतनी लंबी डिस्टेंस तय करती है कि ये इन दोनों को आपस में मिलना पड़ता है, फिर जाकर हरियाणा में एवरेज रेनफॉल 65 सेंटीमीटर करवाते हैं। तो ये जो मानसून है ये किसके लिए हेल्पफुल होता है, खरीफ की क्रॉप्स के लिए। हमारे यहाँ हम लोग बोलते हैं कि यार मानसून देरी से आया, मानसून जल्दी से आया, तो हम लोग मानसून को किस क्रॉप से देखते हुए चलते हैं, खरीफ की क्रॉप से। तो आइए मूव करते हैं खरीफ के अंदर, देखते हैं कौन कौन सी है। रबी की क्रॉप तो हम लोगों ने कवर कर ली। अब सबसे पहले तो आपका आएगा राइस, चावल। अब आप लोग वेस्ट बंगाल में जाओगे ना तो पश्चिम बंगाल में आपको चावल जो है ना सालों भर दिखाई देगा, लेकिन हमारे यहां पर इसको किस फसल के अंदर रखा जाता है, खरीफ की फसल के अंदर। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप ऑफ हरियाणा। पहली आपको बताई है मैंने रबी की क्रॉप के अंदर सबसे पहले डिस्कस किया, तो सेकेंड मोस्ट है किसके बाद, गेहूं के बाद। Rice is mostly cultivated in the northeast center part of the state as more water is needed for its cultivation. अब देखते हैं, देखो भाई राइस चावल वहां पर होगा जहां पर क्या ज्यादा चाहिए हमें, जहां पर पानी ज्यादा चाहिए, एक्सेस अमाउंट में वाटर चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट पार्ट, हरियाणा का नॉर्थ ईस्ट पार्ट कौन सा है। आपको पता है ये जो है
ये हरियाणा का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है जिसमें पंचकुला सॉरी यमुनानगर वाला रीजन आता है आपका, यमुनानगर से नीचे करनाल वाला रीजन आपका आता है, कुरुक्षेत्र का कुछ रीजन उसके अंदर आता है। अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है यहाँ पर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है करनाल हरियाणा के अंदर, इसलिए इसको राइस बाउल ऑफ क्या कहा जाता है, हरियाणा भी कहा जाता है। अब आपको दिखाई देगा बासमती राइस की अलग अलग वेराइटी करनाल के अंदर दिखाई देती है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ज्यादा करता है क्या राइस को। अब करनाल देखो क्या है, आप लोग अगर यमुना रिवर देखते हो तो यमुना रिवर यमुनानगर, यमुनानगर के बाद आपका अंबाला और अंबाला के बाद आपका कौन सा पोर्शन आ गया करनाल वाला, और करनाल रीजन तक पहुंचते पहुंचते हमने जो कैनाल्स बनाई है, जो नहरें बनाई है, उनका पानी भी किसको मिलने लग जाता है, करनाल को मिलने लग जाता है। करनाल बिल्कुल आपको दिखाई देगा ऐसे रीजन में पड़ता है कुरुक्षेत्र से नीचे, ना तो बिल्कुल सदर्न पार्ट में और ना बिल्कुल मिड पार्ट, थोड़ा अपर पार्ट के अंदर वो पड़ता है, और वहां पर पानी इसको बराबर अमाउंट में मिलता रहता है। कहां से, किस रीजन से, आपको ध्यान रखना है ये जो आपका यमुना रिवर है, यमुना नहर है, उससे। यमुना नगर के अंदर भी राइस ज्यादा होता है लेकिन यमुना नगर के अंदर शुगर केन का एक्सेस अमाउंट देखा जाता है। तो सेंट्रल पार्ट हो गया करनाल, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब ये जो है अपना जो हरियाणा स्टेट है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस इन द स्टेट, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे यहाँ चावल नहीं होते लेकिन बासमती चावल की जो प्रजाति है, बासमती राइस जो है, वो हमारे स्टेट के अंदर करनाल के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ज्यादा होते हैं। उसके बाद कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, जींद, सोनीपत एंड पानीपत आर अदर राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट एंड टुगेदर अलोंग विद करनाल दे आर नोन एज राइस बोल ऑफ द स्टेट। अब इन सबको मिलाकर अगर अकेले पूछ लेना कि अकेला राइस बोल कौन है, तो वहां पर तो करनाल का ही नाम आता है कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो, लेकिन कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, जींद, सोनीपत, अब देखो सच्चाई में आप लोगों को बताता हूँ, सोनीपत और पानीपत हम लोग लिख देते हैं लेकिन ज्यादा यार आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा तो आपको कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल इनमें ही दिखाई दिया, मतलब ये वाला जो पोर्शन है कुरुक्षेत्र वाला, करनाल वाला और कैथल वाला, इस पोर्शन के अंदर थोड़ा सा मैप में अच्छे से देख लेना इसको ताकि आपको और क्लियर हो जाए। छोटा सा मैप बना लेते हैं हरियाणा का और उसमें देख लेते हैं कहां पर ये वाला जो अपना पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसको कहा जाता है क्या, हरियाणा का राइस बोल, धान का कटोरा। और वैसे धान का कटोरा किसको कहा जाता है, इंडिया के अंदर छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। आपको पता है जो चावल की 1200 से ज्यादा वैरायटी है वो छत्तीसगढ़ के अंदर होती है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ माने होता है किला, हथिया डायनेस्टी के राजा छत्तीस वहां पर किले बनाए थे इसलिए उसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा था। हरियाणा के अंदर हम लोग बात करें तो हरियाणा के अंदर ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, राइस बाउल। और वैसे लार्जेस्ट देखा जाए तो कौन सा है, कौन सा अपना करनाल। और आपको पता है कि जहां कहीं भी जल भराव होता है, जल जमा होता है, जरूरी नहीं कि वो धान का ही या वो चावल का ही हो, जहां कहीं भी जल भराव होता है तो वहां पर, वहां से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस। चलिए तो मूव करते हैं बाकी की तरफ। राइस के बाद मेज, मक्का, ये जो मक्का है ये आपको ज्यादा, सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र एंड रोहतक। अब आप खुद देखो, देखो आप है ना इस पॉइंट को देखते हो और पॉइंट को देखते के साथ आप तुरंत बता दोगे कि अगर अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर इन डिस्ट्रिक्ट में है तो इनके, इसके लिए रेनफॉल क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। देखो ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे आसान तरीका यही है, आपको जगह पता चल गई और आपको ये पता कि वहां पर रेनफॉल ज्यादा है कम है और उस बेसिस पर आप कोई क्रॉप्स लिखते हो, कोई फसल लिखते हो या किसी भी फसलों का नाम लिखते हो तो आप ये बता दोगे इस क्रॉप्स के लिए ज्यादा पानी चाहिए, कम पानी चाहिए। अगर आपको ये पता है कि यहां पर ज्यादा रेनफॉल हो रही है तो आप ये भी बता दोगे इस क्रॉप, इस रीजन में कौन सी फसल होगी या नहीं होगी। तो अंबाला के अंदर में जो है मक्का जो है वो ज्यादा अमाउंट में होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला आ गया बाजरा, ये आता है सबसे पार्ट, सबसे लीस्ट पार्ट के अंदर। देखो This crop requires less water and grows within 2 to 3 months. हमारे यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना तो देखो बाजरे को हम लोग जायद फसलों के अंदर जनरली नहीं रखते हैं, तो 2 से 3 महीने इसको लगते हैं
किसको भाई? बाजरे को। और इट इज सोन आफ्टर फर्स्ट मानसून सोवर, जो मानसून की पहली बोछार होती है। तो चूंकि खरीफ की फसल ही हुई है, जायद फसलों से ही इसकी स्टार्टिंग मान लेते हैं और कुछ टाइम के लिए रहता है। बाजरे को कई ज्योग्राफर बोल देते हैं कि ये जो बाजरा है ना, ये जायद फसलों में आता है क्योंकि मानसून की पहली बोछार मई से शुरू हो जाती है, मई जून से। तो इसलिए वो लोग बोलते हैं कि तभी से इस बाजरे को शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको बाजरे को किसके अंदर रखना है? खरीफ फसल के अंदर। तो भिवानी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाजरा का, उसके बाद महेंद्रगढ़ आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक के अंदर। मतलब जब आप सदर हरियाणा के अंदर जाओगे, भिवानी के अंदर आप देखोगे, महेंद्रगढ़ में देखोगे, ये दो मेन डिस्ट्रिक्ट है भिवानी और महेंद्रगढ़। मतलब वो डिस्ट्रिक्ट जिसकी बाउंड्री किसके साथ लग रही? राजस्थान के साथ। सिरसा के सदर्न पार्ट में देख लो, फतेहाबाद के सदर्न पार्ट में देख लो, हिसार में देख लो। तो इन सब के अंदर आपको क्या मिलेगा? बाजरा मिलेगा। तो इसके लिए हमें पानी क्या चाहिए? लेस वाटर चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, 2 से 3 महीने में तैयार हो जाती है। और आज भी, अरे हम जब मैं भी गांव में जाता हूँ तो हमारे घर वाले भी ज्यादातर क्या उगाते हैं? बाजरा ही। या तो ज्वार चलती है हमारे यहाँ पर, या फिर क्या चलता है? बाजरा। तो ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला आपका आता है कौन सा भाई? शुगर के, गन्ना। आपको पता है एक तो गन्ने का यूज गुड़ बनाने के लिए होता है, और आप लोग गांव में या अपने पिंड में जाते हो तो बोलते हैं ना कि भाई कोल्हू लगा हुआ है गुड़ निकालने के लिए। तो शुगर केन जो है वो गुड़ और खंडसारी जो होती, खांड जो होती है, उसके अंदर यूज होता है। अब देखो क्या है, अगर आप लोग शुगर केन की बात करो, 3% जो है शुगर केन का वो इंडिया का कौन प्रोड्यूस करता है? हरियाणा। अब आपको गन्ने के बारे में पता है कि यूपी और महाराष्ट्र ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर आपको मीठा गन्ना चाहिए तो आपको महाराष्ट्र, गन्ने का ज्यादा अमाउंट चाहिए तो आपको कहां पर जाना पड़ेगा? कहां पर? ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। हरियाणा 3% देता है, और 3% वो है जो हरियाणा का जो अपर पोर्शन है। इसमें देखते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, एक तो यमुनानगर, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, सोनीपत और रोहतक। मेन तो है अंबाला, सबसे ज्यादा आपको कहां पर दिखाई देगा? अंबाला में, फिर करनाल में, फिर कुरुक्षेत्र में। बाकी स्टेट तो चलो है, वो चीज तो एक अलग वो है, लेकिन अगर आप मैप के थ्रू देखते हो, देखो अभी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को थोड़ी सी ज्यादा दे रहा हूं, तो इसलिए आपको लगता है कि इसमें ज्यादा चीजें बताई नहीं जा रही है। तो ये वाला जो पोर्शन हुआ, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन के अंदर सबसे ज्यादा आपका क्या होता है? शुगर केन होता है। और एक टाइप की कैसी क्रॉप चाहिए? कमर्शियल क्रॉप है, वाणिज्य है। कमर्शियल क्रॉप उसको कहते हैं जिसको बेचकर हम एज ए कॉमर्स अपने लिए यूज नहीं करते, और जो प्रॉफिट होता है उसके लिए यूज किया जाता है। गेहूं जो होता है, गेहूं को कमर्शियल यूज तो करते हैं, लेकिन गेहूं क्या है? अपने लिए भी यूज करते हैं। तो शुगर केन गन्ना जो है ये है। तो यूपी और वहां पर देख लिया हमने। अब देखो एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, यमुनानगर क्या है, यमुनानगर के बाद ये क्यों नहीं है? अब जब गन्ना तो खैर ऐसी फसल है जो साल भर चलती है, ये फैक्ट है, लेकिन फिर भी हम इसको एक अलग खरीफ की फसल में ना मानते, इसको कॉमर्शियल क्रॉप में मान लेते हैं। और गन्ने की फसल, गन्ने की जो मिठास है ना, वो डिपेंड करती है कि जब गन्ना पककर तैयार होता है लास्ट टाइम पे, तो उसको मॉइस्चर कितना मिल रहा है, उसको ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कितनी मिल रही है उसको। जब ज्यादा अमाउंट में आर्द्रता मिलेगी, अच्छी ह्यूमिडिटी मिलेगी, तो वो उसकी मिठास बढ़ जाएगी। आप खुद देखो यूपी रीजन में, यूपी में आप देखते हो तो यूपी का गन्ना महाराष्ट्र के कंपैरिजन में आपको कम मीठा मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि महाराष्ट्र एक तो तट के, कोस्टल एरिया के नजदीक है, समुद्र के नजदीक है, तो वहां से लगातार उसको मॉइस्चर मिलता रहता है, ह्यूमिडिटी मिलती रहती है, यूपी को नहीं मिलती उतनी। इसलिए यूपी में जहां जहां पर जो नहर वगैरह है, या जहां पर आपको दिखाई देगा ये रिवर्स वगैरह है, वहां के आसपास का गन्ना तो मीठा मिलेगा, लेकिन अदर स्टेट में जब आप लोग जाओगे तो वहां पर, अदर डिस्ट्रिक्ट में सॉरी जाओगे, तो वहां का गन्ना आपको उस मिठास का नहीं मिलेगा। तो ये आपका कौन सा हुआ? शुगर केन। तो शुगर केन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या कुछ था वो बेसिक इंफॉर्मेशन जान ली। अब हुआ आपका पल्सिस दाले।
तो ये जो पल्सेस है वो रबी एंड खरीफ सीजन दोनों के टाइम पे जो है सोन की जाती बोई जाती है। भिवानी हिसार सिरसा रोहतक एंड सोनीपत इस रीजन के अंदर होती है। अब पल्सेस के बारे में आप लोग क्या ध्यान रखना है, ये जो पल्सेस होती है ना इसको लेग्यूमिनस प्लांट भी बोलते हैं। अब आप कहोगे ये कौन से होते हैं लेग्यूमिनस पौधे, लेग्यूमिनस पौधे वो होते हैं जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन की प्राप्ति कराते हैं। दाल वगैरह जो होती है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर लेग्यूमिनस पौधों में आते हैं, और ये जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, एक तरीके से वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। आप लोग बायो के अंदर अलग अलग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हो, राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, एजिटोबैक्टर, ये भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। वो खैर एक बायो की चीजें हो गई। यहां पर लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में ये ध्यान रखना है कि पल्सेस में बेसिकली आता है और नाइट्रोजन मेन एलिमेंट होता है। और आपको पता है कि मिट्टी के लिए तीन ही चाहिए, एक नाइट्रोजन, एक फॉस्फोरस और एक पोटास। तो हम नाइट्रोजन हमें मिल रही है कहां से, पल्सेस से। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देगा। अब हमेशा आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप बता देता हूं आप लोगों को कि ऐसे क्षेत्र जहां पर एक टाइम के बाद सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, मिट्टी का उपजाऊपन घट जाता है, तो वहां पर हम लोग पल्सेस उगाना शुरू, पल्सेस की खेती करना, एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं। तो रबी और खरीफ के बीच का टाइम पीरियड होता है, तो पल्सेस जब ये हम लोग करते हैं तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स है और मिट्टी की फर्टिलिटी, सोइल की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा, आप लोगों ने एक दो चीजें और देखी होगी, जैसे आज के टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज किया जा रहा है, वो भी सोइल की फर्टिलिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि एक टाइम तक हमने इतने यूरिया का इस्तेमाल कर लिया, इतने फर्टिलाइजर्स का यूज कर लिया कि हमारी सोइल की फर्टिलिटी बिल्कुल ही कम हो गई। फिर उसको ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग जो है मेजर्स गवर्नमेंट ने भी अपनाए, और जो हमारे फार्मर्स है, किसान जो है, वो भी अलग अलग आयाम, अलग अलग डायमेंशन इसके अंदर लेकर आ रहे हैं अपने एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट था आपका किसका, पल्सेस का। तो ये वाला पॉइंट भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने जानी किसके बारे में, आपकी कौन कौन सी क्रॉप्स किस किस रीजन में हो रही है। अब जो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, सरकार के कौन कौन से इनिशिएटिव्स है जो सरकार ने उठाए हैं, किसको लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर। अब देखो क्या है, आपको पता है कि एक टाइम ऐसा आया था कि हमारे किसानों की फसलें खराब हो जाती थी, तो हम लोग बेसिकली किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। और बाढ़ तो खैर आती नहीं है, सूखा पड़ गया या मानसून देरी से आया, इसलिए इंडिया के एग्रीकल्चर को है ना मानसून का जुआ कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मानसून अगर टाइम से आ गया तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, देरी से आया तो जुए के गेम में हम हार जाएंगे। तो मानसून पर हम लोग डिपेंड रहते थे, क्रॉप्स खराब हो जाती थी, हमारे किसान जो है वो आत्महत्या कर लेते थे, सुसाइड कर लेते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम से हम लोग गुजर रहे थे। अब आपको बताएं, अगर एग्रीकल्चर को हम लोग बढ़ाएंगे तो इंडिया जो है वो भारत गांव में बसता है और गांव के लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और गांव को अगर हमने बढ़ा दिया तो भारत अपने आप बढ़ रहा है। भारत और इंडिया आप लोग जानते हैं, तो भारत या इंडिया को हमें बढ़ाना है तो एग्रीकल्चर के अंदर सरकार ने नई नई इन्वेंशन किए, नई नई स्कीम्स निकाली। हालांकि स्टार्टिंग तो ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम जब हम लोगों ने चलाया, हरित क्रांति कार्यक्रम, तभी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम लोगों ने किए, इन्वेंशन नए नए किए हम लोगों ने, और आज के टाइम पे भी कर रहे हैं। गोल्डन राइस, विटामिन ए, हम लोग सुनहरा चावल वो लेकर आ रहे हैं, बीटी ब्रिंजल, उसके अंदर हम लोगों ने नए नए एक्सपेरिमेंट किए हैं। जो मेन प्रॉब्लम है क्रॉप्स की, हमारे एग्रीकल्चर की, उनको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। तो उसी के अंदर देखते हैं कि हरियाणा सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव जो है अपनाए, हरियाणा सरकार के कौन कौन से इनिशिएटिव। सबसे पहले तो है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। कौन सी स्कीम आपकी, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो ये जो इंश्योरेंस स्कीम है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18th of Feb 2016 के अंदर की।
और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो स्कीम है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसके अंदर आपको नाम से पता चल रहा है कि आपको क्रॉप का इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा कि अगर आपकी फसल खराब हो गई और आपके पास पर्याप्त जानकारी इस चीज की। और 2016 के अंदर सरकार ने रबी फसल, फिर 17-18 के अंदर खरीफ फसल, फिर 18-19 के अंदर फिर दोबारा से रबी फसल, इस दौरान जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड किया। और इंश्योरेंस कैसे होता है, मतलब किस तरीके से, जैसे आप इंश्योरेंस से ही आप इसको देखो, आप एक प्रीमियम पे करते हो, बदले में आपको इंश्योरेंस मिलता है। वो इंश्योरेंस आप जिस तरीके से देखते हो, ऐसे क्रॉप का इंश्योरेंस देखते हैं। अगर हमारी रबी की फसल है तो 1.5% जो रबी की फसल का जो है शेयर प्रीमियम है वो रबी की फसल पे मिलता है, 12% किस पे, खरीफ की फसल के ऊपर मिलता है, और जो 5% है वो हॉर्टिकल्चर या कमर्शियल पर है। तो रबी की फसल पर जो प्रीमियम है उसका ध्यान रखना, जो प्रीमियम है उसका 1.5% शेयर प्रीमियम वो मिलता है, यानी कि उसका 1.5% कब मिलता है, 1.5 टाइम्स परसेंटाइल वो ज्यादा है, ये शेयर प्रीमियम है किसका, रबी की फसल का, खरीफ की फसल का, हॉर्टिकल्चर या कॉमर्शियल का। ताकि हमारे जो किसान है अगर उनकी फसल खराब भी है तो हमें एक उम्मीद है कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है हमारे पास, प्रीमियम लिया हुआ है और उसके अंदर हमें इतने गुना तक, इतने टाइम तक हमें वो चीजें मिलेगी, शेयर प्रीमियम मिलेगा, ताकि हम लोग एक टाइम के बाद हताश ना हो उस चीज को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, और हम ज्यादा से ज्यादा फोकस अच्छे लेवल पर करने के लिए करें। तो ये अपनी एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी और ये बेसिकली चलाई गई है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, हरियाणा के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट किया है तभी से, और इतने इतने परसेंट आपको ध्यान रखना है, 1.5% रबी की फसल का, 12% खरीफ का, 5% हॉर्टिकल्चर कमर्शियल क्रॉप्स का। ये थी आपकी कौन सी स्कीम, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, सीड स्कीम, बीज की जो स्कीम है वो है। अब देखो ये जो सीड स्कीम्स है, बीज नाम से पता, सीड की जो वैरायटी है, हाइब्रिड सीड जो हुए उनकी वैरायटी को लेकर इंफॉर्मेशन देना, या जो सीड्स है कौन सा सीड्स किस किस फसल के लिए यूज होना चाहिए, बीजों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस स्कीम के अंदर होगी। ये स्टार्ट किया था 2011 के अंदर और बेसिकली इसके अंदर चार स्कीम को, चार क्रॉप्स को ऐड किया गया, एक वीट, बार्ले, पैडी एंड बाजरा। ऐसे क्वेश्चन कोई भी सिविल सर्विस है वो जरूर पूछता है, क्या पूछता है, अंडर विच स्कीम या अंडर सीड स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स शुड नॉट बी कवर्ड, कौन सी क्रॉप नहीं होगी, स्वीट, बार्ले, पैडी, बाजरा, और इनमें से अलग दे देगा, जैसे सुगर केन दे दिए इस टाइप से। तो ध्यान रखना चार फसलों के लिए है, और HSDC, ये HSDC क्या है, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसने इस स्कीम को चलाया है और अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि HSDC है क्या, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आपसे एग्जाम के अंदर है ना पूछेगा तो बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा, या तो पूछेगा सीड स्कीम्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन भी दे देगा, स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन बना देगा, इस टाइप से बनाएगा। देखो आप किसी टॉपिक को कितने एंगल से देखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जामिनर फंसाएगा तो ऐसे क्वेश्चन में फंसा सकता है जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपको ये तीन इंफॉर्मेशन भी पता है ना तो यहां से आपसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ ले आप फंसोगे नहीं, और अगर आपके कॉन्सेप्ट बने हुए तो भी कोई मतलब नहीं बनता कि वो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हालांकि स्टेट सिविल सर्विस के अंदर तो यही उम्मीद की जाती है कि वो बिल्कुल यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन नहीं बनाता है, आज तक तो गैर किसी में हुआ नहीं है। इवन अगर आप लोग राजस्थान के एग्जाम भी देखते हो तो राजस्थान के एग्जाम में भी वैसा नहीं हुआ था। हाँ लेवल का क्वेश्चन का लेवल अच्छा मिलता है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं मिलता कि बाल की खाली खींच ली जाती है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आप लोग को ध्यान रखनी है, मेंस के पर्सपेक्टिव से आप उस चीज को तैयार करते रहो, लेकिन हरियाणा जी के तो यार मेन तो प्रीलिम्स का ही पार्ट है। तो ये सीड स्कीम आपको ध्यान रखनी है। तो HSDC के बारे में अभी एक बार हम लोग इस डिपार्टमेंट के बारे में भी जानेंगे। अगला देखते हैं, इसका नाम तो है ना बहुत ही बड़ा है,
मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। कहोगे सर एक साल में तो इसका नाम ही याद होगा, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जीवन सुरक्षा योजना। देखो क्या होता है, जो एक किसान होता है ना, उसके पास हार्वेस्टर होता है, कल्टीवेटर होता है, ट्रैक्टर होता है, बहुत सारी मशीनें होती है। तो इस स्कीम के अंदर भी एक टाइप से क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाता है। कैसा इंश्योरेंस? अगर उस किसान की डेथ किससे हुई है, उसके इंस्ट्रूमेंट से हुई है, उसके यंत्र से हुई है। मान लो फॉर एग्जांपल कि ऐसा हो जाए कि कल्टीवेटर चला रहा था, या फिर गेहूं में जैसे एक साइड तूड़ा निकलते एक साइड गेहूं निकलते, आपको पता है कई लोग तूड़ी बोल देते इसको, तो उस किसान का उसमें हाथ आ गया, उसका ही ट्रैक्टर था, सारी चीजें थी। तो सरकार इस योजना के तहत, जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी, इस योजना के तहत इंश्योरेंस देती है 2.5 लाख तब जब अगर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो गई है उसको, और 5 लाख तब जब उसकी डेथ हो गई है। हालांकि डेथ तो यार उतरे कंडीशन के अंदर है, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर ऐसा नहीं कि भाई किसी और रीजन से उसकी डेथ हुई और उसको इस योजना के अंदर काउंट करवा लिया जाए। नहीं, अगर इंस्ट्रूमेंट या उससे रिलेटेड, मतलब खेती से रिलेटेड किसी भी चीज से रिलेटेड अगर उसकी डेथ हुई है, तो उसके अंदर इतने का इंश्योरेंस उसको मिलता है, 5 लाख डेथ पर, 2.5 लाख इसके ऊपर डिसेबिलिटी पर। देखो स्कीम्स हरियाणा सरकार ने बहुत सारी चला रखी है एग्रीकल्चर के अंदर, मतलब इतनी स्कीम्स है कि आप पढ़ते पढ़ते है ना 10 क्लासेस लग जाएंगे। इवन टेली एग्रीकल्चर भी चला रखा है, टेली एग्रीकल्चर जो हिसार से शुरू हुआ है, वहां पर आप टेलीफोनिक नंबर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आपके खेत के लिए कौन सी फसल अच्छी होगी पूरी जानकारी ले सकते हो। सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम चला रखी है, जो कि हरियाणा के 2 फेजेस के अंदर इसको लागू किया गया। तो स्कीम्स तो इस तरीके से आपको बहुत सारी दिखाई देगी, नई टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, ये योजना है जिसको 2014 में लॉन्च किया है, 5 लाख डेथ पर और 2.5 लाख किसके ऊपर डिसेबिलिटी पर मिलते हैं। चलिए अब आगे मूव करते हैं, अब आ गया इंडो डच प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट डच आपको पता है, हॉलैंड या नीदरलैंड। अब ये जो नीदरलैंड जो देश होता है ना, ये यार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है किसके ऊपर, इरिगेशन के अंदर, वाटर को लेकर, सोइल को लेकर। तो हरियाणा सरकार ने भी कर रखा है ये 1994 के अंदर, ये प्रोजेक्ट हरियाणा पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको शुरू किया गया। अभी इंडो डच प्रोजेक्ट क्या है, जो सोइल की एल्किनिटी या उसका एसिडिक करेक्टर और जो बेसिक करेक्टर है, जिसकी वजह से सोइल क्या होती है, सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, और वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना, इरिगेशन के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया है किसने, हरियाणा सरकार का है और इंडिया सरकार है, किसके साथ, डच के साथ है। ठीक है, तो सेलिनिटी की जो प्रॉब्लम है हरियाणा के अंदर, हरियाणा की सोइल के अंदर, उसको कैसे रिमूव किया जाए, उसको कैसे दूर किया जाए, एसिडिक जो प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम जो सोइल की है उसको, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना, वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम उसको बढ़ाना, वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है उसको कम करना, ये जितनी भी प्रॉब्लम है इन सबको हटाने की बात करता है कौन सा, ये पायलट प्रोजेक्ट इंडो डच प्रोजेक्ट। तो डच सरकार जो है इसी के अंदर काम करती है और हरियाणा के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है 1994 में। हालांकि शुरू हुआ था हरियाणा में, कहां कहां पर, लाखन, माजरा, रोहतक, सफीदो, गढ़वाल, गोहाना, ये है सफीदो आपको पता जिन में, गोहाना आपको पता सोनीपत और पानीपत नजदीक है। तो इन 4 जगहों पर इंडो डच प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आपसे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडो डच प्रोजेक्ट जो है, या इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सोइल की एल्किनिटी को कम करने के लिए किया गया है, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किया गया है, वो कौन सा पायलट प्रोजेक्ट है, इंडो डच पायलट प्रोजेक्ट। तो ये आपको, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो क्या है, अब कुछ अपने डिपार्टमेंट है
जैसे कौन सा है, हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको शुरू किया गया था कब, 6 अप्रैल 1976 के अंदर। क्या पॉइंट ध्यान रखना है आपको, ये जो हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेट एजेंसी है ये हाइब्रिड सीड्स के लिए सर्टिफिकेट जारी करती है, सर्टिफिकेट इश्यू करती है किसके लिए, हाइब्रिड सीड्स के लिए। तो हाइब्रिड सीड्स के लिए सर्टिफिकेट इश्यू करना ये मेन इसका प्रोजेक्ट है, किसका, हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का। और बता देता हूं इस एजेंसी को बनाया गया था सोसाइटी एक्ट के अंदर, सोसाइटी एक्ट जो 1860 का है उस ब्रिटिश का, उसके अंदर इस एजेंसी को बनाया गया था, हरियाणा के अंदर फिर बाद में इसको चेंज किया गया है। तो हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, मतलब आपका जो सीड्स है, आपकी फसल को किस वैरायटी का सीड चाहिए, या सीड के वेरिफिकेशन को लेकर या उसके सर्टिफिकेशन को लेकर जो भी चीजें होगी वो इस डिपार्टमेंट के द्वारा, इस एजेंसी के द्वारा होगी। और सीड्स एक्ट जो बना हुआ है या सोसाइटी एक्ट जो बना हुआ है उसके अंदर भी सेक्शन 5 जब आप लोग पढ़ते हो सीड्स एक्ट का, तो उसके अंदर इस एजेंसी का जिक्र किया गया है, है? ये था। अगले डिपार्टमेंट पर चलते हैं, ये है हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये जो HSDC है, सीड्स को इंपोर्ट करना, बाई करना, सेल करना, नई नई टेक्नोलॉजी, सीड्स की जितनी भी चीजें हैं वो इसके अंदर आएगी, जैसे खरीदना, इंपोर्ट करना, आपका एक्सपोर्ट, फिर इसी के अंदर आपका सीड्स के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के अंदर, वो सारी चीजें किस डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इवन जो नई नई स्कीम्स भी है और स्कीम के अंदर जब हरियाणा गवर्नमेंट की बात आती है तो यही कॉरपोरेशन, यही संस्था सामने आती है। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था कब, 1974 में, कब, 1974 के अंदर। तो जो जो टेक्नोलॉजी हो सकती है सीड्स के अंदर, उसको बेचना, खरीदना, वो सारी इसके अंदर आती है। और अभी के लिए हमने 6 सीड्स प्रोसेसिंग प्लांट लगा रखे हैं इस एजेंसी के द्वारा, 6 प्लांट्स है। कहां कहां पर है वो देखते हैं, एक तो हो गया आपका उमरी में, उमरी कहां पर पड़ता है आपका, कुरुक्षेत्र में, अगला हिसार, सिरसा, यमुनानगर, टोहाना, पटौदी, ये 6 जगह पर प्रोसेसिंग लगा रखी है। 6 जगह पर प्रोसेसिंग का मतलब हुआ, देखना, 6 जगह पर प्रोसेसिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आप की एजेंसी पटौदी में है मान लेते हैं, कि आप वहां पर जाओ, आप नई नई सीड्स, नई नई फसलों के, नई नई बीज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर, मेक्सिको से कौन सा बीज आया है या फिर यूएसए से कौन सा बीज आया है, उसकी इंफॉर्मेशन आप लोग यहां से ले सकते हो। तो ये है हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये आपकी एक एजेंसी। चलिए अब मूव करते हैं हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ये जो HSAMB है। पहले तो आपको पता है कि 66 में जब सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, द्वितीय हरित क्रांति हुई, तो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर आपका जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड बनाया गया था, MS स्वामीनाथन जी को उसका हेड बनाया गया था। तो देखो क्या था, हमें एक जगह से क्या मिल रहे थे, अच्छे बीज मिल रहे थे, अच्छे सीड्स मिल रहे थे, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स मिल रहे थे मेक्सिको से। तो हमने नए नए एक्सपेरिमेंट किए अपने एग्रीकल्चर के अंदर ताकि अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाए, और हमारा फूड ग्रेन है ना काफी अमाउंट में हुआ, नो डाउट, ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम के बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी आई उसके बाद, इंदिरा गांधी कैनाल से या बाकी XYZ प्रॉब्लम भी आई, लेकिन ओवरऑल हमारा फूड ग्रेन क्या हुआ, बढ़ गया। और जब ये फूड ग्रेन बढ़ा तो भाई फूड को स्टोर करने के लिए मंडियां भी चाहिए, उसके लिए हमने FCI भी बनाया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी बनाया, और जहां पर ये स्टोर होगी उसके लिए एक मार्केटिंग बोर्ड भी बनाया ताकि उस वहां पर जाकर अपनी अपने जो है फसलों को जाकर बेच सको, अपने गेहूं वगैरह इन सबको जाकर बेच सको। तो उसी की तर्ज पर फिर पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड बना। अब ये हरियाणा का जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड था वो पंजाब के साथ जुड़ा हुआ था, 1 अगस्त 1969 को इसको अलग कर दिया गया, और अलग करके फिर हमने कौन सा बना दिया, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड।
तो एक टाइप से ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, एक टाइप से मंडी है। तो यहां पर आप अपनी फसलों को बेच सकते हो। एमएसपी जो है वो इसी बेसिस पर डिसाइड होता है, HSAMB जो हरियाणा सरकार का है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको हरियाणा से जुड़ी हुई दिखाई देगी। 1 अगस्त 1969 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। अगला आता है हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब लैंड का रिक्लेमेशन। पहले तो देखना कि कैसे रिक्लेम एल्कलाइन लैंड का मैनेज गवर्नमेंट ऑन फार्म्स एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स। ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने कौन सा कॉर्पोरेशन, कौन सी एजेंसी बना रखी है, एच हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कब एस्टेब्लिश हुई, 27 मार्च 1974 को, कहां पर, पंचकुला के अंदर। तो एल्कलिटी जो है, एल्कलाइन लैंड जो है उसको रिक्लेम करना, जो मैनेज करना गवर्नमेंट ऑन फार्म्स है, सरकार के जो की जो संपत्ति, सरकार के जो फार्म्स है उनको, और तीसरा क्या है, सेल ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स एज ए रॉ मटेरियल, उनका उनको क्या करना, सेल करना, ये इसके अंदर शुरू किया गया है। क्योंकि 27 मार्च 1974 से इसको इनिशिएट किया गया है। तो ये कुछ वो स्कीम्स थी हरियाणा सरकार की जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की। हालांकि सारी स्कीम्स तो आप लोगों के लिए करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये मेन मेन स्कीम्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। आप इनको एक बार रिवाइज करना, नोट्स के अंदर, पीडीएफ के अंदर भी आपको सारी चीजें मिल जाएगी। फिर हम लोग अगले क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।